ईश्वर वाला जी सरकार की, संत समाज की, स्वामी जी के द्वारा सुंदर कार्यों की, हिंदू राष्ट्र की, भारत माता की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उपस्थित सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। सभी माताओं, बहनों, बेटियों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, सबको जय श्रीमन्नारायण। पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी, जिनकी चरणों की धूल ये दास बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसे पूज्य स्वामी जी भगवत तुल्य, पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में और पूज्य संत श्री आप सभी विद्वानों के, गुरुजनों के और संतों के श्री चरणों में बारम्बार नमन। पूज्य स्वामी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी के श्री चरणों में आपके दर्शन से ही पूज्य बालाजी सरकार का दर्शन अनुभव हो रहा है। आपके चरणों की धूल ये दास अनिरुद्ध अपने माथे पर सजाता हुआ अपने आप को कृतार्थ समझ रहा है। आपने इस दास को यहाँ बुलाकर, जैसे सुदामा को भगवान श्री कृष्ण ने गले से लगाकर सुदामा का मान बढ़ा दिया, ऐसे स्वामी जी ने दास को याद करके दास का मान बढ़ा दिया। आपके चरणों में बारम्बार नमन, बारम्बार नमन। पूज्य सरकार बालाजी सरकार के, पूज्य श्री बागेश्वर बालाजी सरकार के द्वारा, पूज्य स्वामी जी के द्वारा यहाँ जितने भी कार्य हो रहे हैं, चाहे बेटियों का विवाह हो, चाहे हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो, चाहे देश को बागेश्वर बालाजी सरकार का चमत्कार दिखा करके और जन जन के हृदयों में एक भक्ति की चेतना को स्थापित करना, या फिर पूज्य बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा से सबका दुख दर्द हरना, ये जो भी आप कर रहे हैं, इससे समाज में एक नई जागरूकता आ रही है। समाज इन शक्तियों को, सोई और खोई हुई शक्तियों को पहचानने लगा कि हमारी शक्ति कितनी विशाल है। और सनातन की संस्कृति की जो हमारी शक्तियां हैं, हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी से पूछा राम जी ने कि आप लंका चले गए, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही। हे प्रभु, ये मेरा कोई बल नहीं है, आपके नाम की जो मुद्रिका मेरे मुख में थी तो जलद ही लांग गए अचरज नहीं। यदि भगवत कृपा से हनुमान जी छलांग लगा के सेतु को, समुद्र को पार कर सकते हैं, तो उन्हीं हनुमान जी की कृपा से पूज्य स्वामी जी यदि समाज को जोड़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, तो ये भगवत कृपा ही है और ये संभव है। आप देखिए, हिंदू क्या है, हिंदू किसे कहते हैं? आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धारा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू। सनातन धर्म क्या है, सनातन संस्कृति किसे कहते हैं? आज समझने की बात है। जब हमसे कोई पूछता है कि आप कितने भाई हैं, तो हम कहते हैं हम दो भाई हैं, हम तीन भाई हैं, हम चार भाई हैं, हम पांच भाई, या हम सिंगल हैं, हम ऐसा परिचय देते हैं। यदि आप कितने लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है, चाहते हैं, तो आज से अपना परिचय बदलिए। और कोई आपसे पूछे आप कितने भाई हैं, तो ये मत कहो कि हम एक दो तीन चार पांच भाई हैं, ये कहो हम टोटल चार भाई हैं। और चार कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम चारों जब संगठित होंगे तब हिंदू राष्ट्र बन सकेगा। यदि हम संगठित नहीं हुए तो केवल सपने सपने ही रह जाएंगे। इसलिए आज से हम कितने भाई हैं, कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों मिलकर जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां संगठन होता है ना, वहीं विजय होती है। जहां एकता है वहां सब कुछ है, संसार की हर खुशी वहां है जहां एकता है। यदि हम बिखर गए, मुगलों ने, अंग्रेजों ने क्या किया, हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को लड़ाया, आपस में लड़ाया, फूट डालो शासन करो किसका नारा था, तो आपस में लड़ाया उन्होंने, हम लड़ते चले गए और लड़ने का परिणाम ये हुआ कि हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो गए। केवल लड़ाई का परिणाम है ये। यदि हम संगठित रहते तो क्या मजाल किसी की कि हमारी तरफ कोई आंख उठाकर देख लेता। हमारे सनातन धर्म में चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आप बताइए, आज जिस छुआछूत, ऊंच नीच की बात की जाती है, बताइए क्या हमारे सनातन धर्म में, क्या हमारे हिंदू धर्म में, क्या हमारे वेद पुराणों और ऋषि मुनियों के द्वारा क्या छुआछूत की भावना कभी थी? यदि छुआछूत होता तो भगवान राम निषाद राज जी को गले ना लगाते। यदि छुआछूत होता तो भगवान राम माता शबरी के बेर ना खाते। इसका मतलब है भगवान और भक्त। हमारे यहाँ तो संत रैदास जी हुए हैं, जिनके चरणों को लोगों ने प्रणाम किया है, धो धो करके पिया है, जिनका आज भी ये मुहावरा, ये वाक्य आज भी प्रचलित है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे महापुरुषों को हमने अपने हृदय में बिठाकर उनको पूजा है। यदि हमारे यहाँ जातवाद होता, ऊंच नीच होती, तो हम कभी भी ऐसे लोगों को इस रूप में स्वीकार ना करते। इसका मतलब हम
था ही नहीं, ये जातवाद का जहर घोलकर सिर्फ सनातनियों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र किया गया और जिस षड्यंत्र की चपेट में हम सभी भारतीय आ गए।